हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम दो प्रोडक्ट्स रिव्यू करेंगे जो कि भेजा गया है ज़ुरोको प्रीमियम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही ज़ुरोको प्रीमियम से हमें कोई पैसा मिला है ये वीडियो करने के लिए। तो ये हमारा जो रिव्यू है वही ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है जो कि हमें ज़ुरोको प्रीमियम से भेजा गया था वो है ये टायर पॉलिश। हाँ, तो ये टायर पॉलिश टायर को पॉलिश करने के लिए, उसको ब्लैक रखने के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। और कंपनी से ये भी क्लेम किया जाता है कि ये यूवी रे भी प्रोटेक्ट करता है। तो वो देखते हैं क्या होता है। टू व्हीलर चलाते चलाते जो हैंडल है वो कभी कभी थोड़ा सा हार्ड लगने लगता है, तो लगता है कि थोड़ा सा अगर सॉफ्ट हो जाता तो अच्छा होता। तो इसलिए ज़ुरोको ने ये एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि आज अपने ओला S1 प्रो में इंस्टॉल करके देखेंगे, चेक करेंगे कि कितना सॉफ्ट होता है। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही ज़ुरोको प्रीमियम से हमें कोई पैसा मिला है ये वीडियो करने के लिए। तो इसका जो रिव्यू है, इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है, वही हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने की, ऐसे इसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको अंदर घुसाने के लिए। तो थोड़ा सा अभी ऑयल अप्लाई करेंगे, तो ऑयल अप्लाई करके देखेंगे कि ये होता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल दिया। और हाँ, और एक चीज़, ज़ुरोको प्रीमियम जो कंपनी है वो भी ये जो ऑयल डाल के जो प्रोसेस है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो हाँ, तो कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, हेयर ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे लुब्रिकेशन हो जाए कि आसानी से अंदर चला जाए। तो यही है इसका ऑयल लगाने की गोल और कुछ नहीं। तो यहाँ पे भी कुछ ऑयल डाल दिया, अभी इसमें भी कुछ ऑयल डालता हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी, यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे रब करके, यहाँ पे भी थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अभी देखते हैं जाते हैं कि नहीं। हाँ, अभी जा रहा है। हाँ, आराम से ही जा रहा है, अभी आराम से जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, चला गया अंदर, और अंदर तो नहीं जाएगा, बस यहीं तक। थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डाल दिया था शायद। तो ये है। तो अभी इस साइड का भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस पे डालेंगे और फिर इसको फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप दिख रहा है, तो फेविक्विक लगा के शायद हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर ये ठीक ही है। मतलब इसकी प्राइस के हिसाब से ये मुझे ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा ओला के हिसाब से बड़ा है। हाँ, ओला के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ, मोर देन इनफ मीन्स, हाँ ओला के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज़, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, देखने में भी अच्छा ही लग रहा है। थोड़ा सा एक ग्रैंड टाइप का फीलिंग हो रहा है, मतलब कुछ पकड़ के रखे हैं ऐसा लग रहा है, बड़ा कुछ। तो ये एक दूसरे टाइप का फीलिंग आ रहा है, लेकिन ठीक और सॉफ्ट भी है। हाँ, सॉफ्ट भी है, तो अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अभी इसको चला के भी देखेंगे। हाँ, तो उससे पहले थोड़ा सा टायर का भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले साफ़ कर लेते हैं। तो अभी ये जो टायर पॉलिश है ये अभी अप्लाई करेंगे टायर पे। हाँ, ये है एक, मतलब ऐसा पूरा पॉलिश जैसा, मतलब बूट पॉलिश जैसा ही है। साफ तो हो रहा है, नहीं साफ हो रहा है, और थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा है। तो टायर तो साफ हो रहा है थोड़ा बहुत,
टायर के बीच में भी थोड़ा सा फंस गया है उसको भी। तो कंपनी बोलता है कि ये टायर पे लगाएंगे तो यूवी रे से भी प्रोटेक्ट करेंगे टायर को। पता नहीं कितना सच है, पर देखते हैं क्या होता है। अभी ये भी चमक तो रहा है टायर। एकदम नया जैसा बन रहा है कि नहीं शांतिका? मुझे तो लगता है कि ये प्रोडक्ट यूजफुल है क्योंकि ये टायर तो काफ़ी चमक रहा है, तो मुझे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी भी है। तो आप एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं इसको, एक फाइल खरीद के आप ट्राई आउट कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए अभी ये भी देखते हैं कि इसका जो ग्रिप है ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, या फिर कितना इफेक्टिव है, वो भी अभी ट्राई करके देखते हैं। चलो शांति, तो आप देख सकते हैं ये जो कुशन है, ये पहले तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन अभी ठीक ही लग रहा है। तो ये काफ़ी, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो टायर पॉलिश है इसका प्राइस है 399 रुपीज़ ओरिजिनली। अगर आप स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको ये मिलेगा 199 रुपीज़ में, और ये प्रोडक्ट अमेजोन में भी अवेलेबल है जहां से आप खरीद सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस है 99 रुपीज़। स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे ही कॉल करके ये प्रोडक्ट आपको खरीदना पड़ेगा, और इसका शिपिंग कॉस्ट रहेगा 19 रुपीज़, मतलब कि टोटल आपको पड़ेगा 118 रुपीज़। तो ये प्रोडक्ट हमें तो अच्छा लगा है, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो जरूर खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है। और ये जो प्रोडक्ट है ये आप अपने किसी भी टू व्हीलर में या फिर कार में भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैं टायर पॉलिश की बात कर रहा हूं। और ये ऑर्डर करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो हैंडल ग्रिप्स है ये किसी भी टू व्हीलर पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो टायर पॉलिश है ये किसी भी टू व्हीलर में या फिर फोर व्हीलर में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें तो ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी लगा, अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट आप यूज करके हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको खरीदना है तो इसका जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। हमारे काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको भी ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए, बाय बाय।